बॉलीवुड की तकरीबन हर फिल्म और हर कलाकार अपने आप में तमाम दिलचस्प कहानियां समेटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियों में से एक सुनाने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने महज 5 ही फिल्मों में काम किया। कमाल की बात ये कि इन 5 फिल्मों में हीरो एक ही था और इसी हीरो के साथ इस एक्ट्रेस ने अपनी गृहस्थी बसाई। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय देवानंद साहब की पत्नी थी। एक पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली में 1931 में जन्मी कल्पना कार्तिक का वास्तविक नाम मोना सिंह था। उन्होंने शिमला से पढ़ाई की थी और यहीं से उन्होंने मिस शिमला का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। मोना सिंह पर जब चेतन आनंद जी की नज़र पड़ी तो उन्होंने उनके परिवार से बात की और उन्हें मोना को मुंबई भेजने के लिए राजी किया। मोना मुंबई आ गई। चेतन उन दिनों फिल्म बाजी बना रहे थे और उन्होंने मोना को फिल्म बाजी की लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया। चेतन ने ही उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया। फिल्म बाजी के बाद कल्पना ने 4 और भी फिल्में की थी। इन फिल्मों के नाम थे आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11। चारों ही फिल्मों में एक्टर देवानंद थे। इस फिल्मी सफर के दौरान देवानंद और कल्पना ने तय किया कि वो शादी कर लेंगे। देवानंद और कल्पना ने टैक्सी ड्राइवर शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में निकलकर शादी कर ली। इसके बाद कल्पना ने महज एक फिल्म की शूटिंग और पूरी की, जिसके बाद वो पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में जुट गई। उनके इन 5 फिल्मों का करियर काफी छोटा जरूर था, लेकिन इस छोटे से करियर के जरिए वो जिंदगी भर के अपने सफर को वजह और मायने दे पाने में कामयाब रही थी।